आपके ब्लड के अंदर कोई सब्सटेंस जो कि एक मिनट में कितना क्लियर होकर आपका यूरिन जो यानी कि एंड प्रोडक्ट में आ रहा होता है कलेक्टिंग डक्ट में वो कितना है, वो एंड प्रोडक्ट कितनी है, यूरिन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसको क्या कहते हैं? रेनल क्लीयरेंस। आरसी के नाम से इसको देख लेते हैं, ठीक है, रेनल क्लीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस, अब हम ये भी देखेंगे कि रेनल क्लीयरेंस के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और रेनल क्लीयरेंस की जो इक्वेशन है वो कौन सी है। रेनल क्लीयरेंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है सी इज इक्वल टू यू वी, सी इज इक्वल टू यू वी अपर पी। देखें अब इसको आपने गौर से समझ लें कि सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू के भी है, वी के भी और पी के भी है। सबसे पहले आपको यू का पता होना चाहिए। यू होता है आपको यूरिन कंसंट्रेशन, यानी कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। उसके बाद वी है कि आपका वॉल्यूम पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आपका कितना वॉल्यूम जो है वो फिल्टर हो रहा है, या एक मिनट में कितना वॉल्यूम जो है वो आपके यूरिन में आ रहा है। उसके बाद नंबर थर्ड पर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा के अंदर कितनी है, और वो क्या होगी, वो इनवर्सली रिलेटेड होगी। समझ आ रही है? इनवर्सली उल्टा। अब इसको समझने के लिए आप खुद देख लें यार, यूरिन यानी कि क्लीयरेंस जो है, क्लीयरेंस क्या हमने क्या देखा था कि ब्लड के अंदर वो सब्सटेंस जो के फिल्टर होकर यानी कि जो क्लियर होकर यूरिन में आता है उसको कहते हैं रेनल क्लीयरेंस। अब रेनल क्लीयरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूरिन कंसंट्रेशन, जितना यूरिन के अंदर सब्सटेंस ज्यादा आएगा मतलब कि उतना ज्यादा क्लियर हुआ, समझ आए? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए? हुए। दूसरी बात, फ्लो पर मिनट, जितना ज्यादा आपका फिल्टर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, समझ आ रही है? उतनी ज्यादा होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुए कि ना हुए? थर्ड बात, अगर आपके यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ गई एक सब्सटेंस की, तो कहां से सब्सटेंस आ रहे होते हैं? ब्लड से आ रहे होते हैं ना, तो वो सब्सटेंस ब्लड के अंदर कम रह जाएंगे कि ज्यादा रह जाएंगे? कम रह जाएंगे। अब इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक है रेनल क्लीयरेंस जो है वो आपकी है जनाब 500 है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये 500 है। प्लाज्मा के अंदर वो कितनी थी जनाब? प्लाज्मा के अंदर आप ये देख लो कि जनाब वो 600 है, यानी कि इस तरह 600 प्लाज्मा के अंदर थी। उसके बाद जनाब उसके बाद यू जो है वो आपका क्या था, यूरिन कंसंट्रेशन, वो आप लगा लो यानी कि 2। उसके बाद वॉल्यूम जो यानी कि ये आप लगा लो यानी कि यूरिन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल वी जो है वो आप लगा लो कि जनाब 3, यानी कि इस तरह। ये एक समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, एक वॉल्यूम है जो कि वॉल्यूम जो है वो आपका प्लाज्मा के अंदर 600 कितना है, प्लाज्मा के अंदर 600 है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी सब्सटेंस सोडियम ले लो, सोडियम प्लाज्मा के अंदर कितना है, 600। ये एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये 600 है। उसके बाद यूरिन के अंदर वो कितनी आ जाती है आपकी, 500 आ गई। तो यूरिन के अंदर जब 500 आई, 600 में से बाकी इधर कितनी रह गई, 100 रह गई, यानी कि जितनी आपकी क्लीयरेंस ज्यादा होगी उतनी प्लाज्मा आपकी कंसंट्रेशन कम होगी। समझ आ गई? इनवर्स रिलेटेड। उसके बाद ये आपकी जनाब 300, समझ आ रही है? ये कितनी है, 300। जितना ज्यादा आपके यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्लियर हो रहा है ना सब्सटेंस। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल एक बैरियर है एक तरह का, समझ आ रही है? एक मिनट में यहाँ पर 3 जो मिलीलीटर है वो फिल्टर होता है, वो 3 मिलीलीटर फिल्टर होता है, और ये फिल्टर होगा ये यूरिन में आ रहा है, ये जनाब आपका यूरिन है, समझ आ रही है? ये यूरिन में आ रहा है। लेकिन अगर यहां से 3 से 6 कर दिया जाए आपके यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्लियर ज्यादा होगा सब्सटेंस, तो इस वजह से ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक बात अपने माइंड में लाजमी रख ले, कोई भी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि देखें कि हाँ जी जनाब कोई 3 चीजें देख के कोई एक पूछ सकता है चीज, फॉर एग्जांपल हाँ जी एक फ्लूइड है उसमें जनाब प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इतनी है, उसको यूरिन की कंसंट्रेशन इतनी है, उसके बाद फिल्टर होने का जो प्रोसेस है वो 1-2 है, तो आपकी जो रेनल क्लीयरेंस कितनी होगी, तो आपने ये वाला फार्मूला लगा लिया, समझ आ गई है? दूसरी जो बात होगी वो ये पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब आपकी क्लीयरेंस इतनी है, आपका यूरिन की कंसंट्रेशन इतनी है, फ्लो इतना होगा, तो आपके प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो आपने फार्मूला कैसे लगाओगे वो भी आपको पता है। जनाब ये इधर ले जाओ, ये इधर, ठीक है, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन आ गई। उसके बाद आपको यू की कंसंट्रेशन पूछ सकता है, वी की कंसंट्रेशन पूछ सकता है, यानी कि कोई भी 3 वैल्यू देकर एक की कंसंट्रेशन आपसे पूछ सकता है। समझ आ गई सबको? अच्छा ये क्या था, देखना।